आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुराने जमाने से, दादी नानी के जमाने से चला आ रहा एक बहुत ही कारगर नुस्खा, बहुत ही कारगर उपाय। जिसका भी पेट खराब रहता है ना, वो जानता है कि उसको कितनी बेचैनी होती है और कितनी परेशानी होती है। अगर आपका पेट सही है ना, तो कोई बीमारी आपके शरीर में आ ही नहीं सकती। तो बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अगर आप पेट को साफ रखते हैं ना, तो समझ लीजिए आपके शरीर से सारी बीमारियां साफ रहेंगी। तो किसी के भी पेट में गैस बनती है, खाना खाते हैं पेट फूल जाता है और पेट ठीक से साफ नहीं होता है, तो इन सभी कारणों से क्या होता है ना कि हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होने लगती हैं। अगर पेट आपका साफ है ना, तो सच मानिएगा बीमारी आपके शरीर में नहीं पहुंच पाएगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है और गैस को कर रहे हैं ऑन। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल दो चीज़ें हमें चाहिए। ये है मेथी दाना। मेथी दाने को अच्छी तरह से पहले साफ कर लेना और उसके बाद हमने मेथी दाने को भूनना है। तो मेथी दाने को भूनने के लिए गैस को आप लो मीडियम रखिएगा। एक बार जब कढ़ाई गर्म करनी हो तो गैस तेज़ कर लेना, उसके बाद गैस को आप लो मीडियम कर देना। तो मेथी दाना हमने लो मीडियम गैस पर भूनना है। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि एकदम ये जलनी नहीं चाहिए, बस ये भुन जाए, थोड़ी सिक जाए, इतना ही हमने इसको सेकना है। तो मेथी दाना चला चला कर अच्छी तरह से आप सेक लेना। अब देखिए वीडियो में देख पा रहे होंगे, मेथी दाना सिक गया और इसमें चटक चटक की आवाज़ भी आती है। तो मेथी दाने को हम निकाल लेते हैं। फ्लेम को लो ही रखिएगा, अभी गैस हमारी ऑन है क्योंकि हमने दूसरी चीज़ अभी इसमें सेकनी है। तो देखिए मेथी दाना हमने सेक लिया है, इसको एक साइड रख देंगे मेथी दाने को। अब हम इसमें सेकेंगे अजवाइन। तो आप ये मत समझिएगा कि ये तो सिंपल सा उपाय है, इससे क्या होगा, पर नहीं, इससे बहुत कुछ होगा। आप एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। बच्चे बूढ़े सभी, मतलब किसी भी उम्र के बच्चों को आप दे सकते हैं, किसी भी उम्र के लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं ना, तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोनों ही चीज़ों का। तो देखिए कढ़ाई हमारी गर्म थी, तो अजवाइन है, अजवाइन भी हमारी लगभग सीखी गई है। बस ध्यान रखिएगा ये कलर इसका चेंज नहीं होना चाहिए ज़्यादा, अजवाइन मतलब जलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जल जाएगी तो उसका उतना इफेक्ट नहीं होगा। तो ध्यान से सेकिएगा। अब गैस को कर देंगे बंद, कढ़ाई हमारी अभी भी गर्म है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और इसको चला लेते हैं और उसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो अजवाइन भी हमारी सीख गई है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये क्या, ये तो सिंपल सा उपाय है, इससे क्या होगा, नहीं, इससे बहुत कुछ होगा। आप इसको ज़रूर आजमाइएगा और सबसे अच्छी बात है कि इसको बहुत सारा बनाकर आप रख सकते हैं और पूरे फैमिली मेंबर के लिए काम में आ जाएगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप जब तक खाना चाहें ना, तब तक खा सकते हैं इसको। अब मेथी दाना हमने मिक्सी में डाल दिया है, हल्का ही ठंडा हुआ था, थोड़ा गरम गरम ही पीसेंगे ताकि जल्दी से पिस जाए। तो देखिए मेथी दाना हमने भी थोड़ा सा दरदरा करके ऐसे पीस लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे अजवाइन। दोनों एक साथ पीसते तो अजवाइन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पिस जाती और मेथी दाना नहीं पिसता, तो इसलिए पहले मेथी दाना पीसा है और उसके बाद हमने डाली है इसमें अजवाइन। तो अजवाइन को भी हम पीस लेंगे, जितना बारीक पाउडर आप बना सकें उतना बारीक आप पाउडर बना लेना। ये देखिए केवल दो चीज़ों से बना है ये पाउडर, पर इतना कारगर है ना, आप जब इसको इस्तेमाल करोगे ना, आप पूरी ज़िंदगी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी लाइफ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात इसमें यही लगती है। अब इसको हम एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लेंगे और इसको लेना कैसे है वो ज़रूर देखिएगा। देखिए वीडियो को आप बीच में छोड़कर चले जाते हैं, तो जो बातें मैंने बताई होती हैं वो आप दोबारा दोबारा मुझसे पूछते हैं, तो इतने सारे लोगों का आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए इसको लेने का जो नियम है ना, जिस तरह से ये लेना चाहिए उसी तरह से ये आपको फ़ायदा करेगा। तो लेने का जो है वो ज़रूर देखिएगा। देखिए ये है 1 टीस्पून और ये दूसरी जो है ये है 1/2 टीस्पून। तो 1/2 टीस्पून आप बच्चों को दे सकते हैं और 1 टीस्पून है वो बड़ों के लिए है। ये देखिए लेवल करके देना, 1/2 टीस्पून बच्चों के लिए और 1 टीस्पून बड़ों के लिए। अब मैं बता रही हूँ कि इसको लेना कैसे। जब आप खाना खाने बैठेंगे ना, तो जैसे आधा खाना खा लेंगे, मान लीजिए आपकी 4 रोटी की खुराक है, आप 2 रोटी खा लेते हैं ना, उसके बाद इसको बीच में आपने लेना है, फिर 2 रोटी खानी है, तब ये बहुत ही कारगर रहेगा। ना आपके पेट में गैस बनेगी, ना ही आपका कब्ज होगी,
पेट भी आसानी से साफ होगा और ना ही आपका पेट फूलेगा। बस खाने के बीच में लेना है, दो रोटी खा ली उसके बाद इसको गुनगुने पानी से ले लीजिए। हाँ, ठंडा पानी नहीं लेना है और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा पानी बस इसको हम ले सके चूर्ण को, बस इतना पानी, क्योंकि खाने के बीच में ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए।